हाय ऑल, वेलकम टू रिकीज़ फूड रेसिपीज़। आज हम बनाने वाले हैं पाव भाजी, जो कि हम लिमिटेड वेजिटेबल्स यूज़ करके बनाएंगे, और जनरली वो वेजिटेबल्स हमारे घर में हमेशा अवेलेबल होती हैं। तो हम देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए और कितने आसानी से हम उसे बनाएंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट मेकिंग पाव भाजी। पाव भाजी बनाने के लिए हम लेंगे 6 उबले हुए आलू, ये मैंने पहले से ही बॉईल करके रखे हैं। 1 शिमला मिर्च लेंगे जो कि बारीक कट करेंगे। 2 प्याज को हम बारीक कट करेंगे। 3 टमाटर को हम ग्रेट करेंगे, ये मैंने पीसा नहीं है, ग्रेट किया हुआ है। थोड़ी सी मटर लेंगे अपने स्वाद अनुसार, और हम थोड़ी सी कैबेज को ग्रेट करेंगे, और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला लेंगे। तो हम बनाना शुरू करते हैं पाव भाजी। एक कढ़ाई में हम 2 सर्विंग स्पून ऑयल डालेंगे, इसको हम तेज गरम करेंगे। स्पाइसेस मैं आपको बताती जाऊंगी कितना कितना यूज करना है। तो हम ऑयल गरम हो चुका है, इसमें 1/2 टेबल स्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इसमें हम बारीक अनियन कटी है वो डालेंगे, इसको हम मिक्स करेंगे। इसको हम 1 मिनट तक पहले कुक कर लेंगे। फ्लेम को अब आप स्लो टू मीडियम कर दीजिए। इसमें अब हम कैप्सिकम कट की हुई है वो ऐड करेंगे, मटर ऐड करेंगे, कैबेज ऐड करेंगे, इन सबको मिक्स कर लेंगे। इसमें हम टमाटर ग्रेट किए हैं वो ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसमें हम स्पाइसेस ऐड करते हैं, मसाले ऐड करते हैं। 1 टेबल स्पून हम नमक ऐड करेंगे, आप नमक मिर्च सब स्वाद अनुसार ले सकते हैं। इसे हम कम से कम 5-6 मिनट्स तक कुक करेंगे। इसको कवर कर देते हैं और इसको कुक होने देते हैं लो फ्लेम पर। 5-6 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए वेजिटेबल अच्छे से कुक हो चुकी है। अब इसमें हम मसाले ऐड करते हैं। हमने नमक डाल दिया था, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून फुल हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टेबल स्पून हम हींग ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून हम गरम मसाला ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून हम पाव भाजी मसाला अभी ऐड करेंगे जब हम मसाले मिक्स कर रहे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे वेजिटेबल्स के साथ मसाले को। मिक्स करने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए वापस से कवर करके रखेंगे, जिससे मसाले भी अच्छे से कुक हो जाएं और ये जो ग्रेवी है वो ऑयल भी प्रॉपरली छोड़ दे। तब तक हम ये जो हमने बॉयल आलू लिए हैं इसको हम मैश करेंगे, मैशर से एकदम मैश करेंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए, तभी भाजी खाने का मजा आता है। और जो शिमला मिर्च होती है वो हमारी भाजी को क्रंची फ्लेवर देती है। जो जैन है वो कॉलीफ्लावर यूज कर सकते हैं आलू की जगह। ये देखिए आलू का बिल्कुल पेस्ट बना लिया है मैंने, और इसमें हम पानी भी ऐड कर देंगे लगभग 1 कप। मिक्स कर लेंगे पानी के साथ हम आलू को। देखते हैं हमारी ग्रेवी रेडी हो गई होगी शायद। ये देखिए ग्रेवी एकदम रेडी हो गई है, ऑयल इसने छोड़ दिया है, और अब हम इसमें ये आलू जो हमने मैश किए हैं वो ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे आलू को अच्छे से ग्रेवी के साथ में। आप इसको बनाएंगे घर पे, ट्रस्ट मी आपको रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छा फ्लेवर आप घर पे ही भाजी को दे सकते हो। हम इसमें 1 टेबल स्पून और पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे, जिससे और अच्छा कलर आ जाता है भाजी में और बहुत फ्लेवरफुल हो जाती है ये। तो हम
वापस से कवर करके रखते हैं 5 मिनट्स के लिए। चलिए कवर कर देते हैं इसको और 5 मिनट्स और कुक होने देते हैं। 5 मिनट्स हो चुके हैं, ये आपको ऊपर ऑयल दिख रहा होगा, ये ऑयल ऊपर आ चुका है, दैट मीन्स भाजी प्रॉपरली कुक हो चुकी है। अब हम इसके साथ खाने के लिए पाव चाहिए होंगे तो पाव सेकेंगे। मैंने लंबे वाले पाव लिए हैं, आप चाहें तो स्क्वायर वाले पाव भी ले सकते हैं। ये जो पाव का बंच होता है इसमें से हम दो दो पाव निकालेंगे और इसको हम बीच में से इस तरह से कट करेंगे। अभी मैंने पैन गरम करके रखा है पहले से, इसमें 2 टेबलस्पून हम घी डालेंगे या फिर आप बटर भी यूज कर सकते हैं, बटर मैं ऊपर से डालने वाली हूँ। इसको हम बटर के ऊपर रख देंगे, फ्लेम को तेज रखिए और इसको हम अच्छे से प्रेस कर करके सेकेंगे। घी हम ऊपर भी लगाएंगे, चेक करते हैं ये सिके हैं क्या नहीं। ये देखिए इस तरह का कलर देना है, इतना ही सेकना है हमें, बहुत ज्यादा हम नहीं सेकेंगे। आपको क्रिस्पी पसंद है तो ही आप बहुत ज्यादा सेकिएगा। इसका फ्रंट साइड है उसे हमें बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है, ये सीक चुके हैं। चलिए हम सर्विंग करते हैं। पाव भाजी को सर्व करने का अपना एक अलग ही तरीका होता है, उसके साथ बहुत सारे इंग्रेडिएंट जब तक सर्व नहीं होते हैं तब तक टेस्टी नहीं लगती है। तो लेट्स स्टार्ट सर्विंग। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है भाजी का। इसमें हम अनियन रिंग्स रखेंगे, अनियन रिंग्स का बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। भाजी के ऊपर हम बटर रखेंगे, साथ में टमाटर और हरी मिर्च सर्व कीजिएगा, फ्लेवर और बढ़ जाएगा। और पाव साथ में आपको जो चटनी पसंद है वो आप सर्व कर सकते हो। मैं लहसुन की चटनी सर्व कर रही हूँ, आप चाहें तो हरी धनिए की चटनी भी यूज कर सकते हैं। हरे धनिए की चटनी की रेसिपी भी मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो रेडी है पाव भाजी खाने के लिए, तो अपने रिव्यूज मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा बनाने के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिक्कीज़ फूड रेसिपीज। बाय बाय एंड टेक केयर।